अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है नंबर्स, यानी कि आदाद या अदद एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। और इनके ऊपर जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, आपको पता है ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन में बंदे को काटते हैं, कुछ डालते हैं, कुछ निकालते हैं और उसके बाद उसको वापस जोड़ते हैं, इस तरह के काम करते हैं ना। तो अरिथमेटिक होता है मैथमेटिकल। तो मैथ्स में ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? जब भी नंबर्स होते हैं, नंबर्स के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं? अरिथमेटिक या मैथमेटिकल एक ही चीज हो गई, तो उनके ऊपर ऑपरेशन कौन से होते हैं? या नंबर्स को हम प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, ठीक है, डाल सकते हैं, काट सकते हैं, या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जर्ब दे सकते हैं, या डिवाइड कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। तो ये चार बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जो हम नंबर्स पर कर सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहली चीज उन्होंने जो बताई है वो डेसिमल नंबर्स हैं। डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो हम आम अपनी जिंदगी में जिनका इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों को पता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जब हम इन नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनको कहते हैं डेसिमल नंबर्स। जब हमने हजारों, लाखों, अरबों, खरबों जो कुछ भी तादाद लिखनी होगी, इन्हीं नंबर्स को हम आगे पीछे दोबारा से इस्तेमाल करेंगे, उनकी तादाद बढ़ेगी। कहीं 3 नंबर्स होंगे, 4 नंबर्स होंगे, 5 नंबर्स होंगे, ठीक है ना, 6 नंबर्स इकट्ठे जोड़ेंगे, लेकिन होंगे सिर्फ यही 10 नंबर्स। कौन कौन से 10 नंबर्स हैं? 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर्स हो गए और 0 जो है 10वां नंबर हो गया, ठीक है ना। जब गिनती बनती है तो जाहिर सी बात है इसके बाद हम क्या करते हैं, 1 0 10 जोड़ देते हैं ना। 9 के बाद 1 के साथ दोबारा 0 जोड़ देते हैं, फिर दोबारा यही 1 वन के साथ यहाँ पे 1 जोड़ देंगे, ठीक है। फर्स्ट करो यहाँ पे 1 जोड़ दिया, 0 से पहले तो 10 हो गया, फिर यहाँ पे 1 जोड़ दिया, इन सब के साथ 1 जोड़ेंगे तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक बन जाएगा, ठीक है। फिर अगर 0 से पहले अगर हम 2 जोड़ते तो 20, ठीक है। इन्हीं नंबर्स को तरतीब देके सारी गिनती बनती है। बेसिक नंबर्स ये 10 नंबर्स होते हैं, ठीक हो गया, और यही इस्तेमाल होते हैं। जब भी कोई नंबर लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब है कि उसमें एक डेसिमल पाया जाता है, जो इस्तेमाल जब हम डेसिमल नंबर्स लिखते हैं, प्रॉपर डेसिमल नंबर्स, जब हम फ्रैक्शंस पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे, तो हम इसको डेसिमल का इस्तेमाल करते हैं। जब इन नंबर्स में डेसिमल से 9 है तो 9 के बाद डेसिमल है, ठीक है, 9 के बाद डेसिमल है, वो इस्तेमाल नहीं हो रहा तो उसको लिखा नहीं जाता, इस पॉइंट को डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस्तेमाल नहीं हो रहा इसलिए ये लिखा भी नहीं जाता, ठीक हो रहा है। वैसे मैं बता रही हूँ कि हर नंबर में डेसिमल मौजूद होता है, बस ये मैंने थोड़े से आपको तारुफ करवाना था। जो बाकी डेसिमल नंबर्स की डिटेल है वहाँ जब डेसिमल नंबर्स पढ़ेंगे तो हम उनको वहीं पे पढ़ेंगे ताकि आपको सॉरी इजी हो जाए, वहां पे बेहतर तौर पर समझ आएगा। यहाँ पे हम इसकी सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज होती है कि नंबर्स को लिखने और पढ़ने के 2 सिस्टम्स इस दुनिया में मौजूद हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। एक नंबर सिस्टम होता है अरेबिक नंबर सिस्टम, ठीक है, ये अरबों ने या मुसलमान जो थे उन्होंने मुतारिफ कराया था। ये वही नंबर सिस्टम है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, ठीक है ना। इसमें लाख, लैख और करोड़ के लफ्ज आते हैं, ठीक है, 1000 और यूनिट जो शुरू का जो हिस्सा है वो दोनों में सेम होता है, ठीक है। उसके बाद होता है इंटरनेशनल सिस्टम जो पूरी बाकी पूरी दुनिया में राइज है, और बाकी पूरी दुनिया में जब भी हम नंबर्स की बात करते हैं तो थाउजेंड्स के बाद वो लाख और करोड़ नहीं इस्तेमाल करते, वो क्या इस्तेमाल करते हैं? मिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ ये दोनों सिस्टम्स आपस में थोड़े थोड़े मैच भी करते हैं और कुछ मुख्तलिफ भी है। आपको पता है पहले हम हमेशा जब नंबर्स पढ़ने के लिए उनको हम उनकी प्लेस वैल्यू चेक करने के लिए राइट साइड से नंबर्स को देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला नंबर जो होता है वो यूनिट होता है या 0 होता है, ठीक है, यूनिट होता है। दूसरा नंबर 10, तीसरा 100, ठीक है, यहाँ तक ये एक सेट होता है, इनको इकट्ठा बोला जाता है। जैसे हम 204, 608 यूँ उर्दू में भी बोलते हैं ना, इनको हमेशा जोड़ के बोलते हैं, ठीक है। फिर जो थाउजेंड्स होते हैं उनको जोड़ के बोला जाता है, उनका एक सेट होता है या उनका पेयर होता है जिसमें से आप कहें। तो जिसमें अब देखें 10,000, 15,000, 16,000, दो नंबर्स को बोला जाता है ना इकट्ठा जोड़ के, ठीक है। अकेला भी 6,000 भी हो सकता है और 16,000 भी हो सकता है। अगर खाली 1,000 होगा तो 6,000 हो जाएगा, 10,000 होगा तो 1 और 6
16,000 इकट्ठा बोला जाएगा। अभी मैं इसे एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगी, फिर मैं अभी सिर्फ आपको मुतारफ करा रही हूँ इसे। अच्छा फिर ये हो गया लैक। फिर अगले दो नंबर जो होते हैं राइट साइड से अगर हम देखें तो अगले दो नंबर कौन से हैं, वो लैक के होते हैं। अगर एक का होगा तो अकेला पड़ा जाएगा, दो होंगे तो जोड़ के पड़े जाएंगे, 6 लाख भी हो सकता है, 26, 36 लाख भी हो सकता है। तो आगे जो दो नंबर होते हैं वो करोड़ होते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो कितने नंबर हो गए, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 5, और छठा लैक होता है, ठीक है। अगर हमने अकेला लैक की बात करनी है तो वहां पे 6 नंबर्स का होना जरूरी है। अगर 20 लाख, 30 लाख, मतलब 1 लाख से ऊपर है तो वहां पे अब देखो कितने हो गए, यहाँ तक 6 थे, यहाँ तक 7 हो गए। यहाँ तक 6 नंबर्स होंगे तो लैक होंगे, 7 नंबर्स लिखे हुए होंगे तो वो 10 लाख होंगे, ठीक है। 8 नंबर्स जब हम लिखेंगे तो वो करोड़ बन जाता है। 8 नंबर जब इकट्ठे लिखे हुए हों तो वो करोड़ करके पड़े जाते हैं, और 9 नंबर जब इकट्ठे लिखे हुए हों तो वो 2 नंबर्स को इकट्ठा जोड़ के लैक पड़ते हैं, ठीक है ना। इस तरह से होता है। और इसी तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, यूनिट 10, 100 का एक सेट होता है, बिल्कुल उसी तरह से। देखो यहाँ पे भी हमने इसको तोड़ के पढ़ा था, यहाँ पे भी इसी तरह से तोड़ के पढ़ते हैं, 620, ठीक है ना। 100 और आगे जो दो डिजिट्स होते हैं या जो नंबर्स होते हैं उनको जोड़ के ही पढ़ा जाता है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा फर्क आता है, यहाँ पे 1000 के दो सेट है, 1000, 10000। यहाँ पे 1000 के तीन सेट होते हैं, सेट में 3 नंबर होते हैं, 1000, 10000 और एच 1000 का मतलब 100,000। यहाँ तक 1000 को पढ़ा जाता है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास कितने नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर होंगे तो आप उसको जोड़ के 1000 तक पढ़ेंगे। जैसे 2, 4, 6 में लिख लेती हूँ, ठीक है ना। अभी समझो ये 0, 0 ही है, ठीक है ये, ठीक है। तो ये कैसे पढ़ेंगे, 246,000। इसको सबको जोड़ के, तीन 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 को जोड़ के एक नाम दिया जाएगा, इन तीनों को 246 को जोड़ के 1000 का नाम दिया जाएगा, अगर जो भी नंबर हो। और इसी तरह से अगर इससे भी बड़े नंबर हैं, 6 के बजाय 7, 8 या 9 नंबर्स वाला कोई बहुत बड़ा अदद है, 9 डिजिट्स वाला कोई बहुत बड़ा नंबर है, तो उसको क्या कहेंगे, मिलियन। अगले तीन को मिलियन बोलेंगे, एक होगा तो 7 मिलियन, अच्छा अगर दो होंगे तो जिस तरह से 47 मिलियन कर लेते हैं, और अगर तीन होंगे तो हम ये कर लेते हैं 647, मतलब 100 तक इसको, इन तीनों को मतलब यूनिट एंड 100 यूं करके देखेंगे, उनका नाम बोलने के बाद इसको असल नाम देंगे मिलियन का। ये बात थोड़ी सी आपको अभी शायद मुश्किल लग रही हो, लेकिन हम जब प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको 2-3 नीचे प्रैक्टिस करवाऊंगी, तो आपको उससे इंशाल्लाह बेहतर तौर पर समझ आ जाएगा। हम प्रैक्टिस, हर चीज प्रैक्टिस से आती है। अच्छा ये देखें, ये नीचे उन्होंने एक नंबर दिया हुआ है और कह रहे हैं इसको क्या नाम है उसका, अरेबिक सिस्टम में इसको पढ़े, इसका नाम क्या है। अब हमें पता है यूनिट 10, 100 ये तीन का सेट हो गया। पाकिस्तानी सिस्टम में पहला जो है तीन का सेट होता है, बाकी सब दो दो के होते हैं। हम इनको पहले जोड़ लेते हैं, आप बीच में कॉमा भी लगा सकते हैं, ठीक है। यूनिट 10, 100, 1000, 10000, फिर लैक, 10 लैक, फिर करोड़, ठीक है। हमने यहाँ ऊपर भी देखा था करोड़ में कितने नंबर आ रहे थे, 9 नंबर आ रहे थे। ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि ये सेट है, जो जो मैंने लाइन लगाई हुई है, जिनको आपस में मैंने जोड़ा हुआ है, उनको इकट्ठा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 42 करोड़ 7,070 इकट्ठा पढ़ेंगे, 70,85,391 यूं करके इनको तोड़ के पढ़ेंगे। इसी को नेक्स्ट पेज में उन्होंने बताया हुआ है इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे पढ़ते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में भी वही तरीका है, शुरू से जो स्टार्ट करने का, कि इन तीन का सेट बनेगा और आगे भी सबका तीन तीन का सेट बनेगा, ठीक है। आगे जब तीन तीन का सेट बनता है तो उनको हम नाम क्या देते हैं इन सेटों को, इसको तो 100 करके सिंपल पढ़ना होता है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, 1000 करके। इन पूरे सेट के नाम के साथ हमने 1000 लगाता है, TH में लिख लिया आपकी आसानी के लिए। और अगला जो पूरा होता है वो मिलियन होता है, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे 427, यानी कि इसको हम बाकी रकम को छोड़ देंगे, इसको पढ़ने के लिए वही जैसे हम 100 की रकम पढ़ते हैं उसी तरह से पढ़ेंगे, 427 मिलियन, नाम इसका मिलियन हो जाएगा। फिर इसको 100 की जगह पढ़ेंगे, 100 की जगह पे कुछ भी नहीं है तो 85,000, 85 पढ़ के इसको हमने क्या नाम देना है, 1000, और फिर 391, इसके साथ हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना होता, ठीक हो गया। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, ये हो गया इंटरनेशनल सिस्टम। मैंने जो आपको अभी बताया है इसे मैंने आपको आसानी के लिए लाइंस लगाई थी, आप इनको क्या नाम है उसका वो भी कर सकते हैं,
इसमें आप कॉमा भी लगा के आराम से कर सकते हैं। असल तरीका कॉमा लगा के ही होता है, मैंने आपको समझाने के लिए उसको तोड़ा थोड़ा सा, ठीक हो गया। अच्छा जी, नंबर्स हम आ गए एक्सरसाइज 1.1 में, और भी नंबर्स सब पढ़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी हमारी वहां पे भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सिर्फ मैं आपको एक नई चीज बता दूं, अभी जो हम पढ़ रहे थे वो मिलियंस तक इंटरनेशनल सिस्टम हमने पढ़ा था, अब ये कह रहे हैं कि मिलियन के बाद, मिलियन में कितने नंबर थे, मिलियन में यानी मिलियन में 9 नंबर्स थे। अगर 10 नंबर्स आ जाएं तो उसका मतलब जो 10वां नंबर है, यहाँ से हम गिनेंगे, जो 10वां नंबर है वो क्या हो जाएगा, जो 10th नंबर होगा TH, ठीक है, जो 10th नंबर होगा वो क्या होगा, बिलियन। फिर जो उसके बाद जो 3 नंबर होंगे वो बिलियन का सेट बनाएंगे, ठीक है। ये जो नई चीज आ रही है, ये 3 का सेट बन गया, 1000 के 3 का सेट बन गया, मिलियन के 3 का सेट बन गया, और ये जो 10वां नंबर है, ये 10वां नंबर क्या है, बिलियन। यानी कि बिलियन में कितने नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब 10 नंबर्स वाला कोई नंबर अगर आपको नजर आ रहा है तो वो आपको देख के पता चल जाएगा ये बिलियन है, ठीक हो गया बच्चों। थोड़ा सा इसको गौर कीजिएगा और हम प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। तो ये बिलियन आपके लिए थोड़ी सी नई चीज है। आगे हम इनको एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, इन नंबर्स को वर्ड्स में लिखें, अल्फाज में लिखें, अकॉर्डिंग टू द नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के तहत, ठीक है। इन्होंने कॉमा डाला हुआ है, हमें कॉमे के हिसाब से पता चलेगा कि ये इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ है या पाकिस्तानी सिस्टम में। हम जरा गौर करते हैं, ये तो 3 का सेट है शुरू में, ठीक है। राइट, हमेशा नंबर को देखने के लिए, प्लेस वैल्यू को देखने के लिए राइट से शुरू करते हैं ना। ये 3 का सेट हो गया, आगे भी 3 का सेट, ठीक है। यहीं से पता चल गया ये पाकिस्तानी सिस्टम में नहीं लिखा हुआ, पाकिस्तानी सिस्टम होता तो इसको यहाँ पे कॉमा होता, इसको यहाँ पे हिस्सा किया हुआ होता, उसका अलग पार्ट किया हुआ होता, उसको अलग थोड़े से जोड़ा हुआ होता, ठीक है। तो ये 3 जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये इंटरनेशनल सिस्टम है। इंटरनेशनल सिस्टम की तरह से पढ़ेंगे, पहले को यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहला सेट जो होता है यूनिट 100 का होता है, दूसरा सेट थाउजेंड्स का होता है, और तीसरा किसका होता है, हमने अभी पढ़ा था मिलियन का। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 24,315 क्या हो गया, थाउजेंड, TH आपने पूरा पूरा लिखना है, 672। ये आपने अपनी कॉपीज में एक्सरसाइज नंबर 1 की हेडिंग डाल के, क्वेश्चन लिख के, फिर पहला पार्ट इसका पहला जो सम है वो लिखना है, नाम लिखना है, उसके नीचे आपने इसको वर्ड्स में खोल के लिखना है, 24,315,672, इस तरह से हो गया। नेक्स्ट की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमने राइट साइड से इनको देखना शुरू करना है। राइट साइड से देखें तो 3 का सेट है, ठीक है, अगला भी 3 का, ये इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है। यही से हमें पता चल गया इंटरनेशनल सिस्टम में इसको पढ़ना है। पहला सेट तो खाली होता है, दूसरा सेट थाउजेंड का होता है, तीसरा सेट मिलियन का होता है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 356,473,000 TH लिख रही हूँ मैं आपके लिए। थाउजेंड के स्पेलिंग आपको नहीं आते हैं, अब याद करें, इजी है, आपको सारे स्पेलिंग्स बुक्स में लिखे हुए मिल जाएंगे। MIL मिल, LION लियन मिलियन, TOUSAND थाउजेंड, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगला है, इसका सेट्स देख लेते हैं। राइट साइड से ही देख रहे हैं, एक 3 का सेट है, फिर 3 का सेट है, फिर 3 का सेट है, फिर एक अकेला है। हमें पता है कि ये इसका कोई नाम नहीं होता, इसको ऐसे ही पढ़ना होता है, ये होते हैं। उसके बाद जो दो 3 नंबर्स होते हैं वो थाउजेंड करके पढ़ने होते हैं, उसके बाद जो 3 नंबर्स होते हैं वो मिलियन करके पढ़ने होते हैं, उसके बाद जो नंबर होगा उसके साथ बिलियन बोलना पड़ेगा, ठीक है, लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो ये वैसे भी 10 नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 नंबर्स आपको मैंने याद कराए थे, 10 नंबर्स इकट्ठे लिखे हो तो वो बिलियन होते हैं। तो 1,415,618,214, ठीक है। अगला भी मैं आपको प्रैक्टिस करा देती हूँ, ये 3, ये 3, ये 2, ठीक है, ये हो गए। ये पहला सेट हो गया 322, जो सादा बोला जाएगा, 341,000 के वाला है, तो 45 मिलियन वाला है, तो 45,341,322। अच्छा, अगला भी 3-3 का सेट है, आपको पता है 3 का सेट है तो पहला खाली है, दूसरा थाउजेंड का, तीसरा मिलियन का है, 793,412,111।
क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं, इसमें भी तीन तीन का सेट है, और क्योंकि चौथा ना जो एक एक्स्ट्रा नंबर है एक्स सेट का एक है, तो ये सबको मिलकर 10 नंबर बने, तो ये फिर बिलियन वाला हो गया, 4,321,654,135 अकेला, ठीक। अच्छा इसको भी तीन तीन और तीन के सेट बना लिए हमने, जब इसको हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिलियन है, 297,654,135 ये इसका नंबर है, एंड 135 लिख, यहाँ पे जो आखिरी जो होता है कॉमा, इस पे हम एंड करके वन वन थर्ड एंड 135 135 एंड 135, ठीक है, एंड लिख लेते हैं। अच्छा ये भी जो नंबर्स हैं ये कितने हैं, बिलियन में, क्योंकि 10 नंबर्स हैं, ये 9,999,999,999 ये सब मुकम्मल हो गया, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आएगी, जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इसको तो खुद से करने की कोशिश करेंगे तो आपको आसान लगेगा। अच्छा एक्सरसाइज 1.2 भी आज हम कर लेते हैं, ये भी छोटी सी है, लिंक्ड है, ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये अब उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, वर्ड्स में लिखा हुआ है, इनके नंबर्स बनाने, 5 बिलियन, 5 बिलियन हम अकेला लिख लेते हैं, 245 मिलियन कॉमा लगा लेते हैं, 245 कितना हो गया मिलियन, और 63,000, 63,000, अब मैं लिखूंगी 63,000, ठीक हो गया, क्या हो गया ये 63,000, एक सेकेंड पेंसिल लिख ले रही, हाँ 63,000 कॉमा। लेकिन देखो हमें ये पता था कि यहाँ पे तीन तीन के सेट बनते हैं, अमेरिकन सिस्टम में यहाँ तीन का सेट नहीं बना, कोई गलती हो रही है, चलो हम आगे लिख लेते फिर देखेंगे। और 63,043, अब यहाँ पे आ रहा है 43, सबसे पहली रकम जो हमने बोली थी वो बिलियन थी, और हमें बिलियन में पता है कि 10 नंबर्स जोड़ते हैं तो बिलियन बनता है, तो ये हमने कितने नंबर लिखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बेशक हम कॉमे डाल दें, 8 नंबर से कभी बिलियन नहीं बनता, वो मिलियंस में पढ़ा जाता है, ठीक है। गलती ये थी कि जहां पे कोई कोई रकम मिसिंग होती है, जहां पे कुछ नहीं होता वहां जीरो होता है, ठीक है, हमने जीरो नहीं लगाया, जैसा कि हम इसको देख लेते हैं 63,000, हमें पता है कि 63,000 में तीन थाउजेंड वाले सेट में तीन नंबर्स आने चाहिए थे, तो 63 तो था, लेकिन जो हंड्रेड्स प्लेस पे थाउजेंड की रकम थी वो मिसिंग थी, यहाँ पे जीरो होना चाहिए था, ठीक है। और इसी तरह से 43 जो आखिरी रकम थी, 43 थी, यूनिट और 10 है ना ये, तो हंड्रेड्स वाली प्लेस पे तो कोई रकम नहीं हमने लिखी, वहां पे कुछ आ नहीं रहा था, इसका मतलब यहाँ पे जीरो आएगा। अब हमने जब ये फालतू जीरोस, जहाँ पे जो रकम, यहाँ पे कोई नंबर नहीं मौजूद था, वहां पे हमने जब जीरोस लगाए दो, ठीक है, अब गिने कितने नंबर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अब 10 हो गए ना, अब ये रकम ठीक है, क्योंकि अब ये बिलियन को शो कर रही है, ठीक हो गया। इसी तरह से रकम लिखने के बाद चेक जरूर करें अपना आंसर कि इतने नंबर्स बन रहे हैं, कोई नंबर मिसिंग तो नहीं है। अच्छा 86 मिलियन, 86 मिलियन, 86 मिलियन का मतलब कि 100 वाली रकम नहीं है, ठीक है, यूनिट 10 हंड्रेड है, 1,000 10,000, 100,000 है, और मिलियन यानी कि मिलियन के दो डिजिट्स हैं, तीसरा नहीं है, तो कितनी नंबर में कितने नंबर्स होंगे इसमें, 3 यूनिट 10 हंड्रेड के हो गए, 3,000 के हो गए 6, और मिलियन के 2, 7, 8, इस रकम में 8 नंबर्स होने जरूरी है। अच्छा हम पहले लिख लेते हैं, अगर गलती हुई तो चेक कर लें कि 8 बन रहे या नहीं बन रहे, 68 मिलियन, 68 मिलियन कॉमा 300,000, 300,000 यानी कि 1,000 के साथ जो तीन रकमें हैं उसमें 300 हम पूरा लिख लेंगे, आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना, ये इस पूरे को 1,000 पढ़ेंगे, 300, और साथ इसको हम क्या पढ़ेंगे 1,000, इसका नाम 1,000 प्लेस पे है ना ये। अच्छा उसके बाद है 299, फिर यूनिट 1,000 की जगह पे 299 है, इसके साथ अपने कोई लफ्ज साथ पढ़ना नहीं होता, ठीक हो गया। एक सेकेंड,
जी ठीक हो गया। तो ये अब अगर देखें यहाँ राइट साइड से देख लेते हैं कि मैंने सही लिखा या नहीं, अपने आप को चेक करें। यूनिट 10 100 थाउजेंड 10,000 लाख एंड 1,000 10,000 100,000 और फिर मिलियन 10 मिलियन। तो ये 10 मिलियन तक ही रकम थी। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर्स थे। तो आपका ये चेक हो गया कि आपने ठीक आंसर लिखा है। 1 बिलियन, 1 बिलियन तो बहुत इजी, आपको पता है कि 10 नंबर्स होने चाहिए। अगर 1 बिलियन में 1 एक नंबर हो जाएगा तो बाकी नंबर्स कौन से होंगे, बाकी कितने बचे, 9 नंबर्स। और वो 9 नंबर्स कौन से होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक हो गया। फिर हम इनके कॉमे भी लगा देते हैं, यहाँ से 3 के बाद कॉमा, यहाँ से 3 के बाद फिर कॉमा, और यहाँ से 3 के बाद फिर 1 कॉमा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगला है 7,463,000,000। अच्छा, ये भी बहुत टूटी टूटी रकम है, इसमें हमें बहुत सारी चीजें मिसिंग है। हमें जो चीजें मिसिंग होंगी, जहां पे कोई वैल्यू हमें नहीं दी हुई, वहां पे हमें जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे हम देख लेते हैं अपनी आसानी के लिए। 7 बिलियन है अगर ये लव्स, तो बिलियन में टोटल कितने नंबर्स होते हैं, 10 10 नंबर्स होते हैं। तो हमें 10 नंबर्स पूरे करने हैं। ठीक है, पहले हम 7 बिलियन लिख लेते हैं। 7,400,000,000, यानी कि 1,000 वाली जगह पे इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। कितने 1,000 है, कुछ भी नहीं बोला, यानी कि यहाँ पे तीनों जगह पे जीरो लगेगा। 1 2 3, 1,000 वाली जगह पे कुछ भी नहीं है। फिर 463, यहाँ पे 463। अच्छा, ये तो हमने देख लिया, तो हमें ये याद ही नहीं रहा कि बिलियन से पहले मिलियन भी आता है। ये कितने रकम है अभी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो नहीं हो सकती थी ना। ये जो मिलियन वाली जगह थी, इधर भी ये गलती है, जो मिलियन वाली जगह थी वो हमने छोड़ दी है। ठीक है, इसको कर लेते हैं, यानी कि 7 बिलियन, मिलियन की जगह पे भी हमने 3 जीरो लगाने, कॉमा, फिर थाउजेंड प्लेस पे भी, थाउजेंड की जगह भी हमने 3 जीरो लगाने। कोई वैल्यू हमें गिवन नहीं है इन दोनों की। और उसके बाद हमने क्या करना है, क्या है, 463, 463 गिनो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बन गए। ये हमारा जवाब ठीक हो गया। इस तरह से आपने 10 10 नंबर, 8 8 नंबर, 9 9 नंबर, बड़े बड़े नंबर्स लिखने और उनको खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है। या आप किसी को घर में बड़े को सुना भी सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि देखिए मैं ठीक पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा। और आपने अपना काम, ये वाला एक्सरसाइज 1.2 भी कॉपी पे करनी है। एक दिन आप 1.1 कर लें, दूसरे दिन आप 1.2 कर लें, जिससे से आपको इजी हो। और उसके बाद अपना काम आप टीचर को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ताकि अगर कोई गलती है वो आपको बताएं, उसको इसलाह करें। ठीक है जी, फिर माने।